हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल्स किचन एक्सप्रेस। तो आज हम आपके साथ में बिल्कुल ढाबे वाले गोभी के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठों का डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पराठे के डो को हमने ज्यादा टाइट नहीं रखना है, इसके डो को हमने बिल्कुल ढीला ही रखना है। तो पराठों का डो तैयार हो गया है, इसे हमने ढक के आधे घंटे के लिए रख देना है। तो अब हम पराठों की स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी फूल गोभी ली हुई है, इसको हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। तो गोभी एकदम अच्छे से ग्रेट हो चुकी है। अब इसे हम एक दूसरे बाउल में ले लेंगे। अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। हमने यहाँ पे साबुत जीरा लिया है, आप चाहो तो जीरा का पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें हम हींग डालेंगे। अब इन सारी चीजों को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस मिक्सचर को मिक्स करते टाइम आपने एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है, इसे ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो इसमें से पानी रिलीज होने लगेगा और हमारी जो स्टफिंग है वो ढीली हो जाएगी, जिससे पराठे बनाने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पराठों की स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो डो तैयार किया था उसमें से जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं उतने साइज का डो आप ले लीजिए और इसे हमने हाथ की मदद से इस तरह से फ्लैट कर देना है। तो अब जो हमने पराठों की स्टफिंग बनाई थी उस स्टफिंग को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे एकदम अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। पराठा रेडी हो गया है, अब इसे हमने तवे पे डाल देना है। तो अब हम पराठे को पलट लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तेल लगा के हमने दोनों साइड पराठे को एकदम अच्छे से सेक लेना है।
तो पराठा एकदम तैयार हो गया है, इसे अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल ढाबे वाले गोभी के पराठे तैयार हैं। आप इसे ग्रीन चटनी या फिर दही के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हमारी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।